नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मालपानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को जो अमेंडमेंट इशू किए थे, कुछ अमेंडमेंट्स तो हमने पहले डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन 13, सीआरपी रेगुलेशंस में जो नए अमेंडमेंट ऐड हुए हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि रेगुलेशन 12 में क्लेम डालने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई थी, तो रेगुलेशन 13 में अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम की। 13(1)A, यानी कि रेगुलेशन 13(1)A जो नया इश्यू हुआ है, उसमें आरपी और आईआरपी को थोड़ा सा यहां पर आईबीपीआई ने बांधने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास क्लेम आ गया है और आपने वेरीफाई कर लिया है तो यू हैव टू कोलेट देम ऑन टाइमली बेसिस। अगर आपने उन्हें टाइमली कोलेट नहीं किया है तो आपको उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और हो सकता है आईबीपीआई आपसे पूछ भी ले कि भी अगर आपने वेरीफाई कर लिया तो कोलेट क्यों नहीं किया, तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई। 1(b) जो वो नए लाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो क्लेम डालने वाले हैं उनके लिए एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन दी गई है, और आरपी और आईआरपी को एक और जिम्मेदारी दी गई है कि क्लेम्स आते रहेंगे, आपको वेरीफाई करना है। अब जो नई टाइमलाइन आई है हमारे सामने 13(1)B के माध्यम से, कि जब आरएफआरपी की डेट भी निकल गई इश्यू ऑफ आरएफआरपी की और तब भी आप क्लेम नहीं डाल पाए तो क्या करना है, तो क्लेम आप उसके बाद भी डाल सकते हैं। और कब तक? जब तक रेजोल्यूशन प्लान की अगर वोटिंग है उसकी वोटिंग से 7 दिन पहले तक, या इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन के 7 दिन पहले तक। आरपी और आईआरपी को उन सभी क्लेम्स को इकट्ठा करना है और दो श्रेणियों में बांटना है, एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। तो 1(b) हमें बस यही बताता है कि आपको इसको वेरीफाई करना है कि एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है। 1(c) अब यहां पर क्या है कि आरपी को यह जिम्मेदारी और दी गई है कि जो नए क्लेम्स 36(b) यानी कि आरएफआरपी के इशू के बाद आप तक आए हैं, तो जो नॉट एक्सेप्टेबल है आप उन क्रेडिटर्स को टाइमली मना कीजिए, यानी कि विद इन 7 डेज आप उनको मना कर दीजिए कि साहब आपका क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके रीजन ये हैं, रीजन आपको देने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। और जो एक्सेप्टेबल हैं उन्हें आरपी और आईआरपी को सीओसीटी मीटिंग में रखना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि साहब ये एक्सेप्टेबल हैं और इनका रेजोल्यूशन प्लान पे ये असर आएगा। इन सबको इकट्ठा करके फिर आरपी और आईआरपी को ऑनरेबल एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कंडीशन ऑफ डिले के बाद, डिले के साथ, और उन्हें बोलना पड़ेगा कि प्लीज इन क्लेम्स को एडजुडिकेट कीजिए। यानी कि पहले होता यह था कि अगर कोई किसी ने क्लेम डाला पर वो लेट हो गया, आरपी ने रिजेक्ट किया, वो ऑनरेबल एनसीएलटी के पास जाता था और वहां से एडजुडिकेट करा के लाता था। अब आरपी और आईआरपी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, लास्ट तक आपको क्लेम वेरीफाई करना है और जो एक्सेप्टेबल है वो एडजुडिकेट कराने, किससे? ऑनरेबल एनसीएलटी से। आई होप ये अमेंडमेंट आपको इस चर्चा के माध्यम से और क्लैरिटी आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इस पे जरूर आंसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।